गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला आपको बनाकर दी जा रही है, उसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो है क्लास बी ए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर सेकेंड। और जो आज इसमें हम करने जा रहे हैं, ईवी लुकास का जो बहुत ही पॉपुलर और प्रसिद्ध एसे है थर्ड थॉट्स, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। बहुत ही इजी एसे है और इंटरेस्टिंग भी है, उसके बारे में हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले लेखक के बारे में बात करते हैं। तो लेखक है एडवर्ड वेराल लुकास, यानी ईवी लुकास। उसका जन्म 1868 में हुआ और डेथ 1938 में। बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक है और बहुत सम्मानजनक जो अंग्रेजी साहित्य के लेखक है उनमें उसका सम्मानजनक स्थान भी है। इसको हम वर्सेटाइल जीनियस मानते हैं, बहुआयामी प्रतिभा का धनी मानते हैं, क्योंकि वो ह्यूमर लिखने में उसका जो छोटे छोटे ट्रेवल बुक्स, नॉवेल्स, एसेस इतनी ही शालीनता से, ईज से, ग्रेस से लिखता है जितने की दूसरे जैनर की चीजें या शैली की चीजें लिखते हैं। और एक ऐसे के रूप में उसमें एक रिमार्केबल चार्म है, आकर्षण है, और वो एक प्रोलिफिक राइटर है। प्रोलिफिक बहुत ज्यादा लिखने वाला लेखक माना जाता है, जिसने बहुत ही हल्के मनोरंजक पॉपुलर नॉन फिक्शन लिखे हैं और नॉवल्स भी लिखे हैं। उसको बहुत ही विटी यानी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेंट एसिस्ट माना जाता है, और उसका जो रुचि के जो विषय है, स्पोर्ट्स से लेकर डोमेस्टिक लाइफ, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, सब है, सब विषयों पर उसने लिखा है। और इसी चीज कारण उसकी तुलना चार्ल्स लैम से की जाती है और ये कहा जाता है कि वो तो 20th सेंचुरी का इलिया है, जैसे चार्ल्स लैम को इलिया कहा जाता था। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेखक माना जाता है एडवर्ड रल लुकास। अब हम बात करें एसे की, जो एसे जो एंटाइटल थर्ड थॉट्स, ये एक जर्नल में पब्लिश हुआ था 1919 में, जिसका नाम था द पैंथम जर्नल। और जो टाइटल जो है इसका, ये लुकास यानी लेखक ने क्वाइन किया, यानी गढ़ा है। कहां से? सेकंड थॉट से। सेकंड थॉट का मतलब होता है कि किसी चीज पर आप पुनर्विचार करके कोई निर्णय लेना, और तो थर्ड थॉट का मतलब यही हो गया कि ओपिनियन और रिजोल्व, कोई भी जिसमें आप बार बार विचार कर कर जो निर्णय लिया, उसको बोलते हैं थर्ड थॉट्स। इस एसे में जो लेखक है वो एक छोटा सा इंसिडेंट उसके जीवन में घटा, उसका वर्णन करता है। और वो इंसिडेंट भी वो उसके लेखक के जीवन में नहीं घटा, लेखक के दोस्त के जीवन में घटा, और जैसा दोस्त ने बताया था वैसा का वैसा हमारे सामने लेखक प्रस्तुत करता है। और इस फैक्ट को एसेइस्ट जो है छिपाता नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर देता है पहले ही ओपनिंग सेंटेंस में। ये लिखता है, शुरुआत ही ऐसी करता है, दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड, यानी कि ये जो कहानी है ये मुझे मेरे एक मित्र ने बताई। क्या कहानी थी? कि लेखक के दोस्त ने एक पिक्चर 10 शिलिंग में खरीदी और न जाने कैसे उसको 50 पाउंड में बेच दिया। पहले तो उसकी इच्छा हुई कि जो राइट जिस दुकानदार से उसने 10 शिलिंग में खरीदा है उसको इस प्रॉफिट का आधा हिस्सा दूं। फिर विचार किया, बोले नहीं, आधा नहीं 10 दे देता हूं, 10 नहीं 5, 5 नहीं 1, और एक के बाद उसका निर्णय आया कि कुछ भी नहीं देता हूं। इस प्रकार कह सकते हैं ऐसे जो है एक प्रकार की कहानी है। अब यहां से हमारा जो एसे शुरू होता है, एसे बिल्कुल कहानी की तरह है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी, पूरा का पूरा एसे आपके सामने टेक्स्ट के रूप में रख दिया है, क्योंकि हो सकता है ये नए मिले आपकी किताब में तो भी आप इसको पढ़ पाए। देखिए, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड, दिस इज द बिगनिंग और ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द ऐसे, ये पहला वाक्य है जिसमें ये कहानी है और इस कहानी को मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। क्या कहानी है? देखिए, इट इज माय डेस्टिनी, डेस्टिनी सेड ही, कौन? उसका दोस्त ने उसको बताया कि मेरी किस्मत थी टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स। डियर बहुत ही प्रिय होता है, प्रिय का महंगा, तो
कि मेरी किस्मत क्या थी कि अगर को मैं खरीदारी करता तो महंगे से महंगे मार्केट में यानी महंगी चीज खरीदता एंड टू सेल और बेचना चाहता किस चीज को. इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल मीन्स इफ ही इज एबल टू सेल इट ऑल, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो बेच ही नहीं पाता और बेचने में सफल हो भी जाता इन द चीपेस्ट सस्ते में, तो सस्ते सस्ते में बेच पाता था. यानी कोई चीज खरीदनी होती तो उसको बहुत महंगी मिलती थी और अगर बेचना चाहता तो वो कह लीजिए बेचना चाहता तो सस्ते में बेच पाता था. ये उसकी जनरल उसकी किस्मत का एक कह लीजिए पार्ट एंड पार्सल था उसके जीवन का. यूजुअली मतलब आमतौर पर क्या इनडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, कोई सजावटी सामान है या कोई तस्वीर है अगर उसे उब जाता I have positively to give it to away. तो मुझे इसको ऐसे ही देना पड़ता था, ले ले भाई एहसान कर दो और इसको ले जाओ. Almost to make its acceptance by another a personal favor to me. कि मेरे पे व्यक्तिगत एहसान होगा भाई इसको मेरे ले लो. मैंने कोई बेच खरीदने की तो बात छोड़ी, वैसे भी नहीं लेते थे. But the other day मतलब कुछ दिन पहले was marked by an exception to this rule. एक्सेप्शन अपवाद, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसी घटना चली कि उसके जीवन की जो ये उसका सिद्धांत बन गया था उसमें एक अपवाद हुआ. सोर्स स्ट्राइकिंग इतना प्रभावशाली हुआ दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ परहैप्स लक हैज नॉट बीन चेंज. कि मैं इतना हैरान था कि मेरी किस्मत तो नहीं बदल गई. एंड आई एम आफ्टर ऑल डेस्टिन्ड टू बी द मोस्ट एनवियबल थिंग ए सक्सेसफुल डीलर. कि मैं बहुत ईर्ष्यालु चीज बन गया हूँ क्या, क्यों बहुत ही सफल व्यापारी बन गया हूँ, डीलर बन गया. कैसे क्या हुआ तो देखिए, कहता लेखक कहता इट हैपेंड दिस, इस प्रकार ये घटना घटी. इन ड्रिफ्टिंग में टहलते हुए अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स. क्यूरियोसिटी शॉप्स ट्रांसपोर्ट एपिथेट का एग्जांपल है. जो वहां से लोग गुजरते थे वो क्यूरियस रहते थे, जिज्ञासु रहते थे. यानी उन दुकानों में कोई पुरानी चीज कोई इस प्रकार की पड़ी रहती जिसकी दुकानदार को भी नहीं पता असली वैल्यू क्या है, इसलिए इसको क्यूरियोसिटी शॉप्स का. और फिर कैथेड्रल सिटी, कैथेड्रल चर्च, धार्मिक नगरी के पास से आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट मतलब जैसे कई बार हम देखते हैं बाजार में दुकानें होती थी कि बर्तनों की दुकान है तो 5-7 बर्तनों की दुकान लगाता है, कपड़ों की है तो कपड़ों की, उसी प्रकार जो डिपार्टमेंट वाटर कलर ड्राइंग, तो वाटर कलर ड्राइंग की दुकानें के पास से गुजरा. अमोंग विच वाज वन दैट टू माय आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर. और मेरी नजर में एक ऐसी चीज लगी मुझे, एक ऐसी पेंटिंग जो शायद टर्नर जैसे महान प्रसिद्ध लेखक सॉरी पेंटर ने शायद उसको बनाया हो. ऐसी पेंटिंग मेरी नजर को लगी. इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप. जबकि जो दुकानदार था जिसके पास ये थी वो इस चीज को शेयर नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में चीज नहीं थी. उन्हें उम्मीद थी एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल. और उसने जो मैजिक नेम मतलब जिसका नाम से चीजें बिक जाए, टर्नर भी स्पेलिंग ऐसे ही उसने लिख दी. सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनेथ इट. जो गलत कई बार इस हिसाब से लेखक लिख देते हैं कि नाम ही पर्याप्त होगा. तो लेखक का दोस्त ने बताया कि मैंने उससे पूछा हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, थोड़ी सी बड़ा प्रेम यानी गड़गड़ा की नजर से मैंने उससे पूछा कितने कीमत है भाई इस पेंटिंग की. Well said the dealer, उस दुकानदार ने लेखक के दोस्त को कहा ठीक है, if it were a genuine tale, तो सच्ची अगर टर्नर की पेंटिंग होती it would be worth anything, तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती थी. But let us say 10 shilling, लेकिन तुम इसको 10 shilling में खरीद सकते हो. You can have it for that, but I don't mind if you don't, because I am going to London next week and should take it with me to get an opinion. क्योंकि अगले सप्ताह में लंदन जा रहा हूँ, लंदन में इस पेंटिंग को साथ लेके जाऊंगा और वहां जो एक्सपर्ट है उनकी राय लूंगा कि भैया वास्तव में टर्नर की है या नहीं है. आई पोंडर्ड, लेखक के दोस्त ने सोचा, पोंडर्ड भी थोड़ा उसने, फिर इतने में जोड़ दिया दुकानदार ने माइंड यू आई डोंट गारंटी इट येट. उसने कहा मैं दिमाग में रहे ध्यान रहे ये बात कि मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि टर्नर की है,
और लेखक का जो दोस्त था उसने क्या किया, आई गेव हिम द 10 शिलिंग, लेखक के दोस्त ने उस डीलर को 10 शिलिंग दे दी यानी खरीद ली। इस प्रकार एक पेंटिंग खरीदी गई लेखक के दोस्त के द्वारा। अब क्या कहता है, बाई वट इनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय तरीकों से, क्यों, आई फाउंड ए परचेजर ऑफ फॉर द ड्रॉइंग एट 50 pounds, तो मुझे 50 pounds का एक खरीदार मिल गया। There is no need to tell, ये बताने की जरूरत नहीं है, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, कि उसका बात इसमें नहीं कि आपने जो इकट्ठा कर रहा था डीलर के साथ मैंने कैसे बार्गेनिंग की, उसमें इस ऐसे का मुख्य बिंदु निहित नहीं है, but in bargaining with my own soul, बल्कि इस बात में निहित है कि मैंने अपनी आत्मा से कैसे बार्गेनिंग की, सौदा किया। The astonishing fact remains that ये बात ये रही, I achieved a profit of 49 pounds 10 and was duly elated, elated happy। मुझे 49 pounds और 10 शिलिंग का फायदा हुआ और बहुत ही खुश था। I then began to think, फिर मैंने सोचना शुरू किया। The dealer saw my thoughts and ये माई कौन है यहाँ पर, लेखक का दोस्त। उसे लोगों का दोस्त कहता है कि जो डीलर था, इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, ही ओट टू पार्टिसिपेट इन दिस, वो जो डीलर था उस कैथेड्रल धार्मिक सिटी में, उसको भी इस प्रॉफिट में हिस्सेदार होना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने अच्छा व्यवहार किया, आई ओट टू बिहेव वेल टू, मुझे भी इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। It would be only fair to give him up. तो पहला विचार उसके दिमाग में, first thought क्या आया कि उचित होगा कि अगर न्यायोचित होगा अगर मैं उसको अपने profit का आधा हिस्सा दे दूँ। Therefore ये सोचकर I sat up down, बैठ गया and wrote a little note saying that, छोटा सा पत्र लिखा इसमें सारी बात बताई, that the potential Turner drawing, जो संभावित Turner की painting लग रही थी, which no doubt he recollected, इसमें कोई संदेह नहीं कि उस डीलर ने उसको परचेज किया था पहले किसी से, had turned out to be authentic, बिल्कुल सच निकली, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, proceed यहाँ profit, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आधा profit आपको दे रहा हूँ, as I considered that the only just and decent course, क्योंकि मुझे तो यही उचित और शालीन तरीका लगा। यानी कि वो उसके दिमाग में शालीनता इसी बात में नहीं थी कि वो अपने साथी को भी कुछ दे। अब इतना लिख लिया, डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद हैविंग नो स्टैम्प्स, उसमें तो टिकट नहीं थी, एंड द आवर बीइंग लेट, और समय काफी लेट हो गया था, आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड आई वेंट टू बेड, मैंने उसको पोस्ट नहीं किया और रात को मैं सो गया। लेकिन एट अबाउट 3:30 AM, 3:30 बजे I woke widely up, जोर से जगा, and according to custom, जैसे मेरी आदत थी, custom and habit, began to review my life's errors, तो मेरी जो आदत थी उठते ही मैं अपने जिंदगी की गलतियों पर पुनर्विचार करता, which are in no danger of ever suffering from loneliness, इसमें कोई खतरा थे एकाकीपन से उनको पीड़ित होने का, यानी कि मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां थी, कोई एक आदि नहीं थी। For these I reached, उनसे चिंतन करते करते पहुंचा, by the way of mitigation, मतलब valueless बनाना किसी चीज को, condemn करते हुए, कोई बात नहीं है तो ऐसे ही थी, ऐसे थी ऐसे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। My recent successful piece of Chafferyman bargaining soda, मैंने जो सफल सौदा किया उसके बारे में मैंने चिंतन किया, and put the letter to the dealer under both examination and cross examination, और जो letter मैंने dealer को लिखा था उसको मैंने उसका परीक्षण किया और पुनः परीक्षण किया। Why? So my thoughts went, my कौन है, लेखक का दोस्त, वो कहता मेरे विचार इस प्रकार चले, give him half, उसको आधा क्यों दूं? Why be quixotic? Don Quixote से बना है ये, मतलब शेख चिल्ली जिसको हम बोल देते हैं ना, एक बहुत बड़ा करेक्टर हुआ है, तो बोला मैं शेख चिल्ली क्यों बनूं? This is no word for quixotry, शेख चिल्लियों के लिए कोई दुनिया नहीं है। It was my eye that detected the probability of the drawing not his, कि मेरी आंखें थी जिसने
इस बात की संभावना को पहले पकड़ा कि ये टर्नर की पेंटिंग हो सकती है न कि इसकी। He had indeed failed, वो तो फेल हो गया, did not know his own business, उसको तो अपना बिजनेस नहीं आता। Why put a premium on inaptitude? देखिए प्रीमियम यहाँ पर इनाम, अयोग्यता को मैं इनाम क्यों दूँ? No, a present of say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case. 10 pound का जो profit के लिए gift है वो इस अवसर पर इस मामले में पर्याप्त से भी पर्याप्त रहेगा। Still refused, यानी कि आधे से उसने पुनर्विचार reconsider किया, यानी first thought आधा profit बांटने का था, अब उसको second thought में कितने पर लिया है? 10 pounds पर लिया है। अब देखिए still refusing to oblige me, नींद अब भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही थी, यानी कि मुझे अब भी नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था। I took a book of short stories, मैंने एक छोटी कहानियों की किताब ली and read one, और एक कहानी पढ़ी। Then I closed my eyes again, फिर मैंने अपनी आंखें बंद की and again began to think about the dealer, और फिर dealer के बारे में सोचने लगे। Why so my thoughts ran, लेकिन के दोस्त के भी विचार आए, send him 10 pound, 10 pound क्यों भेजू? It will only give him a wrong idea of his customer, उसके दिमाग में तो अपने ग्राहकों का एक गलत इमेज बन जाएगी। None other of whom would be so fair, कोई भी दूसरा ग्राहक मेरे जैसा न्यायोचित होगा नहीं, so sporting as I, जितना मैं just यानी न्यायोचित करने वाला हूँ। He will expect similar letters every day, वो इसी प्रकार, वो तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके कस्टमर तो बहुत पैसा कमाते हैं और ऐसी उम्मीद प्रतिदिन करेगा, और ऐसा होगा नहीं, मैंने में जैसे गिफ्ट आएंगे नहीं, be disappointed और वो निराश हो जाएगा। And then he will become embittered, फिर उसका दिल कड़वा से भर जाएगा। And go down the well of tears, a miserable creature, और एक दुखी प्राणी के रूप में दुखों की आंसुओं की घाटी में डूब जाएगा, यानी दुखी हो जाएगा। He looked a nice old man, बहुत ही अच्छा बूढ़ा आदमी लगता है। ने एक क्राइम, ये तो उसकी पीटी करना चाहिए, उस पर अपराध नहीं, टू इंजर सच ए नेचर, उसके स्वभाव को नुकसान पहुंचाकर। नो 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड और नॉनसेंस, बकवास, 10 पाउंड बहुत ज्यादा है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पर्याप्त है। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 तो उसकी औकात बहुत ऊपर हो जाएंगे। यानी कि देखिए पहले विचार किया, फर्स्ट थॉट था हाफ, फिर 10 के बाद फिर पुनर्विचार किया, कितने पे आ गया? 5 पर। So while I was dressing the next morning, जब सुबह अगले दिन मैं उठा और कपड़े चेंज कर रहा था, I thought about the dealer, फिर मैंने उस दुकानदार के बारे में सोचा। Why should I, so my thoughts, मेरे दोस्त के विचार ऐसे गए। Directly I had for the first time in my life brought of a financial coup, कुप सौदा कह सकते हो, कोई सफल मतलब इम्पॉसिबल जो कह लीजिए काम था, वो सफलता हासिल की है आर्थिक रूप से पहली बार। स्पॉइल इट बाय गिविंग लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, तो बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का यूं देकर उसको बर्बाद करूं। वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, जो गॉडेस ऑफ बिजनेस है, जो देवी है व्यापार की, उसका मजाक उड़ाना नहीं होगा, हूएवर सी मी, चाहे कोई भी देवी हो। वाज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, तो ये एक प्रकार से मेरा है कि मैं उसका असम्मान कर रहा हूँ। Only a day or so after we had at last got on terms, कि एक दिन पहले तो हम सही आपस में हमारे सही रिश्ते हुए हैं, अब मुझे भी सफलता मिलने लगी है, देवी का आशीर्वाद मुझे भी मिलने लगा है, और आज ही वो गड़बड़ कर दूं। There is no fury like a woman's scorn, एक घृणा से भरी हुई नफरत के से बड़ा किस कोई भी खतरनाक चीज नहीं होती, कोई से बड़ा गुस्सेल कोई चीज नहीं होती। It would probably be the end of me, हो सकता है ये मेरा अंत ही हो जाए, मेरा मतलब व्यापारी के रूप में बिजनेस रूप में मेरा लास्ट वो काम हो। सिटी मैग्नेट्स, देखिए मैग्नेट होता है चुंबक जो दूसरी चीज को खींच ले, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों का पैसा खींचते हैं अपने पैसे से, तो पैसे से पैसा कमाते हैं, तो उनमें इस प्रकार की भावना नहीं होती। आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स, क्योंकि वो इस प्रकार की भावनात्मक चीजें मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं करते हैं। इंपल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, अगर भावना जो है
बड़े सफल व्यापारी करने का, बनने का, पैसा कमाने का नकारात्मक पहलू है। If I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, fine art speculator बनना है, मुझे कलाकार बनना है, किस कला के क्षेत्र में, किस प्रकार का, so my thoughts continued, यानी लेखक के दोस्त के विचार इस प्रकार आते रहे, I must control my feeling, तो मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। No, 5 pounds is absurd, 5 pound तो बहुत ज्यादा बकवास है। A look डूसे, डूसे का मतलब होता है ब्राइब, रिश्वत, गिफ्ट कह सकते हैं यहाँ पर, ऑफ 1 pound विल मीट तक, 1 pound बहुत पर्याप्त होगा इस सारे मामले में। इट विल बी नथिंग टू मी, 1 pound की वैल्यू मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, और बड़ी कोई गंभीर बात भी नहीं करेगा। बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, क्वेल एंड मैना एक फ्रेज है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, कि ऐसा मानो तो बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने अपने भक्तों को आसमान से खाना और वो दिया, तक 40 दिन तक, ताकि पता नहीं कहां से रेगिस्तान में वो आया, तो उसी प्रकार अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होगा ये उसके लिए, विदाउट आवर डूइंग हिम एनी हार्म, और ये नुकसान भी उसको कुछ नहीं पहुंचाएगा। ए पाउंड विल बी एम्पलम, पर्याप्त, काफी होगा, accompanied by a brief note, और उसके साथ एक छोटा सा पत्र भी लिख देता हूँ। The note was to that effect that I had sold the drawing at a profit. Note इस प्रकार लिखना दिया था कि मैंने उस drawing को ऐसे profit में बेच दिया, which enabled me to make him a present. तो मुझे इस योग्य बनाती कि मैं आपको एक उपहार दे सकूँ, because it was an old, क्योंकि वह पुराना and perhaps old, शायद सबसे अलग belief of mine, मेरा विश्वास है that one should do this kind of thing, किसी को भी ये चीजें करनी चाहिए, good luck must be shared, क्या चीज, कि अगर आपको अच्छी चीज कोई मिली है तो उसको आपको आपस में बांट लेना चाहिए। I had the envelope in my pocket, और लिफाफा मेरे पॉकेट में था, containing the note and the check, उसमें चेक और वो नोट पत्र था जिसको लिखा था मैंने। When I reached the club for lunch, lunch में मैं क्लब में पहुंचा, and that afternoon I played bridge so disastrously, bridge एक प्रकार का गेम होता है जिसमें बहुत ही भयानक ढंग से खेला, मैंने बुरी तरह से हारा, that I was glad I had not posted it, मैं खुश था कि मैंने उस पत्र को नहीं डाला, क्यों, अगर वो नहीं डाल देता तो उसको दिमाग में ये आता कि देवी नाराज होगी, खेल ले ब्रिज, यानी बांट ले प्रॉफिट को, वो चीज आती, अब कम से कम वो चीज नहीं आएगी। After all, so my thoughts ran as I destroyed the envelope and contents, मैंने उस पत्र और उस लिफाफे को जब डिस्ट्रॉय किया तो मेरे ये विचार आए, लेखक का दोस्त बता रहा है। Such bargains are all part of the game, ये ऐसे सौदे तो गेम का हिस्सा है। Buying and selling, यानी खरीदना और बेचना, are a perfectly straightforward matter between dealer and customer. डीलर और कस्टमर के बीच सीधा साधा मामला है खरीदना। The dealer asks as much as he thinks he can extort, उसको प्राप्त करना। डीलर कस्टमर से उतना मांगता है जितना कि वो सोचे उसकी जेब से निकलवा सकता हूँ। And customer having paid it, और कस्टमर एक बार उसको चुका देता है, उसकी कीमत दे देता है, it is under no obligation, तो उसकी किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, whatever to the dealer, डीलर के प्रति। The incident is closed, और व्यापारी सॉरी घटना समाप्त हुई। कहना यह चाहता है लेखक कि डीलर व्यापार जो है एक सीधा साधा मामला है, जो दुकानदार है वो कस्टमर से जितना अपना प्रॉफिट और सब कुछ उसमें शामिल कर कर कस्टमर से लेता है, और कस्टमर एक बार चुकाने के बाद आगे चाहे उसको घाटा हो, प्रॉफिट हो, ज्यादा हो, कम हो, उसका डीलर के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बढ़ती। यही व्यापारिक नियम है, और इसी पर एक ये व्यंग है ईवी लुकास का। Thank you very much. धन्यवाद।